बताएं क्या घटनाक्रम हुआ था, क्या नाम था इसका? प्रांजल गोल नाम था, चापा के निवासी है ये, और इंदौर में रहकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे IPS कॉलेज से। तो सुबह मॉर्निंग में ये अपने कोई मित्र के पास जा रहे थे सिलिकॉन सिटी, तो इनको कोई गाड़ी ने कोहरे की वजह से कोई अज्ञात गाड़ी ठोक के एक्सीडेंट करके चले गए। दरअसल कितनी उम्र थी इनकी? इनकी 23 है। क्या काम करते हैं? ये पढ़ते थे। अच्छा, कौन सी क्लास, कहाँ पर पढ़ते थे? IPS कॉलेज में इंजीनियरिंग कर रहे थे। और क्या बैकग्राउंड क्या है इनका? बैकग्राउंड में मदर साथ में है, यही है। इनकी मम्मी क्या काम करती है? मम्मी शिक्षा, जिला शिक्षा अधिकारी है। अच्छा, और पिताजी? पिताजी झाबुआ में है, प्रोफेसर है वो भी, गवर्नमेंट कॉलेज के। ठीक है, आप क्या लगते हैं? मैं परिचित हूँ, उनका रिलेटिव हूँ। तो क्या कैसे सूचना लगी थी आपको कि क्या? थाने से फोन आया, इनका मोबाइल थाने से लेकर, और हमको सूचना मिली है, उसके बाद हम लोग यहाँ आए। ठीक, आपका नाम? नितेश चौधरी। सर, एक मर्ग कायम हुआ है राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में, किस प्रकार का मामला है? एक्सीडेंट है जिसकी जानकारी सुबह 5:30 बजे चली थी, फिर उसका अज्ञात था, पता नहीं चल रहा था, उसके बारे में हम लोगों ने प्रयास किया, हमें फिर जानकारी मिली कि यह जिसका एक्सीडेंट प्रांजल नाम का है, प्रांजल गौड़ है, जिसकी मदर इंदौर में ही महिला बाल विकास डिप्टी डायरेक्टर के पद पर पदस्थ। पिताजी की क्या क्या बैकग्राउंड? पिताजी से इनकी बात हुई तो पिताजी झाबुआ जिले में शिक्षा विभाग में। सर, क्या लड़का कहाँ पर, कौन से कॉलेज में पढ़ता था, क्या उम्र थी, कहाँ से आ रहा था, कहाँ जा रहा था? जो जानकारी है उस पर IPS में पढ़ी था। कितनी उम्र थी दादा? 21 वर्ष। क्या कौन सी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, कुछ जानकारी? इसके बाद नई गाड़ी अपाचे। कितने दिन पहले गाड़ी दिलाई थी? थोड़ा ये क्लियर नहीं है। ठीक है, आपका नाम? मेरा नाम राजेंद्र सिंह चौहान, सहायक उपनिरीक्षक थाना राजेंद्र है।